तो यार जैसे ये कोने पर घर नज़र आ रहा है आपको, तो अभी हमें जिस इलाके में आज घूम रहा हूँ, आज भाई थोड़ा डिफरेंट मूड में है, आपको काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें दिखाएंगे जो अभी तक मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं है आपको। और जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, और जैसे जैसे ये व्लॉग जाएगा और बहुत सारी आज डिफरेंट आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। तो यार ये सारे जो आपको स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, सारे माहौल सही बना हुआ है, लोग सारे बाहर निकले में, आज गर्मी बड़ी धमाकेदार हो रही है। तो ये पूरा इलाका जैसे मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, और एक टाइम पे ये इलाका जो है बड़ा रफ हुआ करता था, और उसकी काफ़ी रीज़न थे, यहाँ पर ड्रग डीलिंग और स्निचिंग, आप कुछ भी सोचें यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब ये बड़ा अच्छा इलाका बन चुका है, काफ़ी डिसेंट लोग आ चुके हैं। फिर भी अभी 50-50 है, प्रॉब्लम्स हैं इन इलाकों में, पर काफ़ी पहले के पहले से बेहतर है भाई। जी तो ये आमिर भाई बराबर में बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पूछा है जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, ये जो अभी घर नज़र आए थे आपको रेड कलर के, तो ये आमिर भाई क्या क्वेश्चन थे यार, आप पूछो मुझसे दोबारा। तक सलमान, ये पूछना था कि ये जो आपने घर दिखाए जी, इसका तकरीबन रेंट क्या होगा, मतलब अगर एक बेडरूम है या दो बेडरूम है तो ऑलमोस्ट कितना होगा? तो अच्छा ठीक है, तो ये जैसे इलाका ही है ऑस्ट्रेलिया बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर जो आजकल आज के टाइम पे जो रेट चल रहा है ना, दो बेडरूम के आप लेने जाओ तो 2500 से लेकर 2700 तक का पड़ता है, यानी 2500 से 2700 का रेंट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होती है, बिजली जिसको बोलते हैं, वो आपको खुद देनी है। ठीक है, तो ये यहाँ का रेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का भी जो है तो बिल खुद देना पड़ेगा? नहीं, मोस्टली जगहों पे वाटर जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, पर जो जहाँ ज़्यादा खर्चा ज़्यादा होता है, जो बिजली का है, तो वो आपको खुद देना है। ठीक है, अच्छा, उसका अलग होता है। तो मतलब टोटल कितना बन जाएगा? लेस से अगर 2700 का है तो बिजली का मिला के महीने का आपका हो जाएगा तकरीबन 29 के करीब, लगभग मतलब 3000 रफली। ये तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हुआ। हाँ एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव तो पूरा न्यूयॉर्क इस वक्त आप कहीं भी आप चले जाओ, एक्सपेंसिव तो है। अब तो आज वो टाइम, असल में ये क्वींस जो है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्वींस जो है थोड़ा सा सस्ता होगा, लॉन्ग आइलैंड थोड़ा महंगा होगा, ऐसी बात नहीं है। क्वींस में भी डिपेंड करता है कि आप क्वींस में कहाँ रह रहे हो। ठीक है, क्वींस के कुछ इलाके अभी भी हैं कि आप वहाँ पर जाओ तो आपको दो बेडरूम का घर $1000 में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इलाके। ठीक है, पर भाई पर जब वो इलाके ऐसी हैं कि घर से बाहर निकलने से के बाद आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ेगी, ऐसा इसके साथ का माहौल है वहाँ पर। ठीक है, तो वो इलाके अभी भी हैं यहाँ पर, सेफ नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ पर रेंट काफ़ी सस्ता है। तो ये इलाके जो क्वींस के ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक टाइम में पहले थोड़ा सा रफ माहौल था, पर चीज़ें काफ़ी इधर भी काम हो चुकी हैं, पर यहाँ के रेंट जो हैं काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना भाई, ये मैनहट्टन से बहुत करीब है कि अगर आप एक ट्रेन जाती है, आप 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप वहाँ पर आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि कन्वीनियंस की वजह से जो है ये चीज़ें, एक सेकेंड, आज मेरा टारगेट सिर्फ जैक्सन हाइट दिखाने का नहीं है, मेरे को मोस्टली जो आपको जिस इलाके में लेके जाना है, जहाँ पर वो मैक्सिकनों का जो होल्ड है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाया जाए। पर यहाँ पर पार्किंग मिलना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप देख रहे होंगे डबल पार्किंग लगाई भी इन लोगों ने, टैक्सी वालों ने, और यह पार्किंग मिलना समझो जैकपॉट मिल गया आपको, वो वाली बात है। हाँ, 74 स्ट्रीट है, यस। तो ये मेन स्ट्रीट है, और पहले यही स्ट्रीट थी जिसपे सारे लोग आते थे, अब थोड़ा सा ये काफ़ी चीज़ें डाइवर्स हो चुकी हैं और दो चार स्ट्रीट पे फैल चुका है जैक्सन हाइट, पर ये मेन स्ट्रीट है, यहीं पर सारे मोस्टली मेन स्टोर्स हैं, मोस्टली ज्वेलरी शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट हैं। पार्किंग आप लोग देख लें, दोनों साइड पर जो है खचाखच भरी हुई है, तो हम कोशिश में लगे हैं भाई पार्किंग मिल जाए, ताकि फिर हम थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें, आपको दिखाएं कुछ आसपास। और अभी तक जो आसार नज़र आ रहे हैं मुझे, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, पार्किंग मिले पर मिलेगी दोनों, एक जैकपॉट होता है भाई वो, और लगता है मेरा जैकपॉट नहीं लगा यहाँ तो टिकट मिल जाएगा मुझे। तो जैसे ये राइट साइड पे दिखा रहे हैं आपको आमिर भाई, ये सारे ज्वेलरी शॉप हैं, और यहाँ पर बड़े रॉबरियाँ वगैरह भी बहुत हुई हैं भाई ये ज्वेलरी शॉप पर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, काफ़ी लूट मारी भी हुई है यहाँ पर धमाके। ये है सोना चांदी, ये सोना चांदी बड़े पुराने ज्वेलर हैं भाई, तो 37 ईयर से तो भाई मैं हूँ, जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ये सोना चांदी को मैंने हमेशा देखा है, ये उस टाइम से। पर यह इस स्ट्रीट पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं बड़े पुराने, ये नई नहीं है,
ये 30-40 साल पुराने स्टोर हैं जो यहाँ पर हैं। जी सलमान भाई, क्या मिल गया यार? क्या बोलो, ये पार्किंग मिली है और इतनी टाइट मिली है पार्किंग, सरप्राइजिंग बात हो गई ना। थोड़े से आगे वाली गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे वाले को धक्का मारना पड़ेगा और पार्किंग जो है लग जाएगी। मुझे तो ऐसा माहौल लग रहा है। आप ये देख लें नेविगेशन में, ये बैक कैमरा में गाड़ी कितनी करीब है, खचा खचा ये लगी। नहीं बचाओ यार, आपको सिर्फ सुनना ही नहीं देता है, ये बोलता बहुत है। ठीक है, तो आज बब्बू भी साथ में एंजॉय करेगा। हाय कर दो यार बब्बू। हाय बोला, देखो समझ में आया, बोला हाय। चलो साथ में रहो। तो ये हैं सारे मोस्टली बांग्लादेशी स्टोर आसपास इस गली में 73rd, जैसे मैंने बताया। ये देखें आप सारे यहाँ पर नाम आप लोग पढ़ लेना भाई। हाँ, ये बांग्लादेशी में लिखा है, आप मुझे समझ में आ गया बिल्कुल सही है, ऐसा है। सामने जो जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ये वैसे इस प्लैनेट के तो नहीं लग रहे हैं, मुझे किसी और प्लैनेट से लग रहे हैं। इनसे पूछता हूं, आज 4th ऑफ जुलाई टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसे आई पार्क ओवर देयर, टुडे इज 4th ऑफ जुलाई, यू थिंक इज फ्री पार्किंग टुडे और नो? टुडे फॉर जुलाई फॉर द मीटर इज सस्पेंडेड। इट्स सस्पेंडेड बट द नो स्टैंडिंग एनी टाइम इज स्टिल इन इफेक्ट, नो पार्किंग एनी टाइम इज स्टिल इन इफेक्ट। सो आई नो आई पार्क इन ऑन द मीटर पार्किंग। सो इफ यू पार्क इन द मीटर पार्किंग जुलाई 4 इज द मीटर इज सस्पेंडेड। सो इट्स फाइन राइट? You gotta make sure that your car, like your inspection is fine. Everything's fine. Okay. Only thing my concern, I don't want to get ticket for the meter. The meter today, July 4, is suspended. Man, I love this guy, but I love him. Thank you so much. Okay. Everything is fine. But you gotta double check. Make sure you parked in the meter spot. I did. In the meter spot, I did. Right? Meter's right next to it. You parked right in the meter spot. Yeah. Okay. Yeah. So I'm good, right? You gotta double check to make sure your inspection is fine. Your registration is fine. Everything's good. Everything's perfect, good to go. Thank you. You're doing a good job, man. तो भाई ये पुलिस वाले भाई जिनसे मेरी बातचीत हुई है, मुझे दिमाग का दही कर दिया। एक बात को चार दफा बता बता के मुझे इनको कोकोनट का ड्रिंक लाके देना चाहिए। क्या बोलते हो? कमेंट्स में जरूर बताना इन भाई साहब के लिए। ये देखें आप, बार्बर शॉप, पंजाबी बार्बर। तो ये देख ले भाई, एक पान शॉप भी खुला हुआ है यहाँ पर। Oh, that's like pond right here. Oh, I smell it from your mouth. Oh, hell no. What is it? Smell his mouth. तो ये है यहाँ जैक्सन हाइट का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर आती है नंबर 7 ट्रेन जो ये रोजवेल एवेन्यू पे उतारती है जैक्सन हाइट पे आने के लिए। तो ये बड़ा कन्वीनियंस होता है क्वींस में रहने वालों के लिए कि ट्रेन बसेस वगैरह के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पास। वो रहा रोजवेल एवेन्यू, वहाँ से मेन क्लोजअप करके बताता हूँ मैं आपको ज़रा। यहाँ से आप इंटर होते हैं, नीचे ट्रेनें चलती हैं जो हर जगह जाती हैं, क्वींस, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, जहाँ भी जाना है आपको, वो सारे ऑप्शन ट्रेन के दिए हैं। यहाँ पर EFMR7 ये सारी ट्रेन चलती हैं। यू गॉट मनी? नो मनी, होमलेस। आई नीड मनी टू। यू गिव मी कैमरा बिकॉज़ यू कम टू मी। व्हाई यू कम टू मी? यू वांट मनी? I don't have no money, man. Please, let me ask my friend. Maybe he got. Hold on. Ask my friend. Nepal, you? Huh? Nepal, you? Nah. You got $1? No. You want $1? Ask her. She got money. Ask her. आ जाओ। तो जैसा कि अभी आपने देखा भाई कैसे क्लोज अप आया, ऐसा लगा हमारा फोन छीन लेगा, वो बैकिंग कर रहा है। तो भाई यहाँ पर हम जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो मैंने इन लोगों को बोला है अपना फ़ोन वगैरह सर टाइट पकड़ना, पैसे किसी को भी नहीं देना यहाँ पर, और अपनी आँखें और कान बड़े एक्टिव रखने भाई, समझाए? बी अलर्ट। ठीक है, ट्रेलर देख चुका आप लोग। ठीक है, अब तक जो ये वॉक किया हमने, आपको क्या माहौल लगा है? माहौल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और अजीब माहौल, डेंजरस भी थोड़ा सा। अभी सामने डेंजर आ रहा है, उसको दिखाता हूँ जरा। ये देखते हैं भाई, ये क्या स्टॉल है भाई, इधर क्या हो रहा है? ये पता नहीं। अच्छा, ये सही बिजनेस है भाई, जबरदस्त बिजनेस है भाई।
तो ये वही है मोस्टली जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मोस्टली ये माइग्रेट जो आए हैं जो हिंदी करें यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ पर ये बिजनेस खोल के बैठे हैं इस तरह से। तो ये बेचारे हमें कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें ये काम्बो शाम्बो लगाया हुआ क्या काय का काम्बो भाई, काम्बो नंबर वन है इन्हीं के सारे खाने भाई। अब ऐसा कौन बिजनेस चलाता है भाई, ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये कैसा बिजनेस है भाई? अब आप खुद देख लो यार इनके तमाशे, क्या बोलूँ मैं इनको। फिर बोलते हैं ट्रम्प इनको तंग करता है। यार ये जबरदस्त चीज है भाई, स्कूटर है जाजे। इसकी प्राइस पूछ, हाउ मच आर दीस, हु सेलिंग दिस, यू इज योर्स? अबे फ्री में ऐसी उठा ले, मुझे नहीं पता कौन है, खोल के ले चलते हैं ना यार इसको। खोल के ना, इसकी प्राइस होगी फिर 280। 280? नहीं नहीं 180। 180 तुमने बोला 180। कौन तो पैसा दिस? How much? $490 this? Yeah, but it's a... This is e-bike, yeah? E-bike? Electric? Yeah. This is electric? Yeah. Okay, how fast this bike go? It runs like 25 miles. 25 miles. Abhi, bade ajeeb ajeeb se store nazar aa rahe hai, mere ko ajeeb ajeeb sa mall nazar aa raha hai, bhi left side pe maine store dekha, pura andar andhera ho raha hai, samajh mein nahi aa raha, ho kya raha bhai? तो पहले तो सोचा अंदर जाके चेक करें भाई, फिर हमने बोला नहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना है, सीधा चलते रहो राइट, उसी में बेहतरी है। सो दैट्स हाउ वी जस्ट गोइंग स्ट्रेट, हम लेफ्ट राइट पे कोशिश में कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए ये जो माहौल ये बड़ा अजीब गरीब लग रहा है, जैसे ये माहौल है भाई पता नहीं काय का स्टोर है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो मुझे बताएगा यहाँ पर रात में वॉक अराउंड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली हम जैसे शरीफ लोग। कितने टाइम तक मतलब वॉक कर सकते हैं? और जब तक ये जो ना दिन निकला हुआ है सूरज है उस टाइम इस ओके, और उसके बाद जो हो गया तो बत्ती सबकी गुल, सबकी बत्ती गुल, अंधेरा हो गया तो सबकी बत्ती गुल। यहाँ से माहौल अच्छा भी है, अच्छा है या बहुत अच्छा है, टेढ़े वेढ़े लोग नहीं होते ना जी, सही है। देख लें सारे नेम ब्रांड शूज़ हैं यहाँ पर, ये देखो आप जो शूज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ देख लो शायद नज़र आ जाए, ये सारे जो है वो हैं भाई, दो चार नंबर के हैं। नाइस यार, बड़ा अनयूजुअल सा इलाका है भाई ये। तो जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए इन लोगों ने अपने रोजी के लिए, व्हिच इज नॉट बैड। यहाँ पुलिस बहुत मिलेगी आपको जगह जगह पर, यहाँ पर अरे कैप्स, अरे गुची का कैप फेक वाला, ये हाउ मच दैट कैप, हाउ मच? हाँ थ्री व्हाट, $3? $30. $30? Yeah. That's $30? 30. 30? Yeah. Okay. All right, man. Thank you. Thank you. पांच वाले हेड की जो है $30 मांग रहे हैं, वो भी फेक गुची हेड लगाया हुआ है। मैं समझ $30 बोला सारे हेड्स के। Body spray, body lotion, $10, $10, $10. Come on down, man. Check this guy out, man. $10. $10 right there. $10, mommy. $10. सब लोग छोटी छोटी हसलिंग कर रहे हैं भाई, ये डॉलर में सोडा पानी बेचा जा रहा है, नॉट बैड। ये देख लें सारे नेम ब्रांड ग्लासेस लगाए हैं भाई, टाकोस डिफरेंट है नहीं है, डिफरेंट भाई। यार ऐसा है कि यहाँ पर ये लोग जो है ना बहुत स्केर्ड होते हैं कि इनकी वीडियो बनाया जाए, इसलिए मोस्टली यहाँ पर इनलीगल हैं। अभी जैसे मैं यहाँ से गुजरूंगा, ये लेफ्ट राइट पे सारे गैंगस्टर खड़े हैं सारे ये, ठीक है, और ये इनका पूरा गैंग होता है, ये वॉच कर रहे हैं इनकी वीडियो बनाओ तो ये बड़े ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत संभल के हमें यहाँ से निकला पड़ा, जैसे ये भाई साहब हैं ये देख लें आप इनके कारनामे, ठीक है।
तो ये हिसाब किताब है, और इसी वजह से जो है ट्रंप जो है इन लोगों को पसंद नहीं करता था कि ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आएँ और उसके बाद यहाँ पर ऐसे आके दादागिरी करते हैं, और जो दूसरे आउटसाइडर हैं उनके ना बात करते हैं ना उनसे कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ आपको समझाना था मुझे, जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लें चल क्या रहा है। ठीक है, हम साथ आप खुद ही देखो, इनके पास से गुजरेंगे तो ऐसे घूर के देखते हैं, पता नहीं आज खा जाएंगे हमको, देख लें आप। ये तो हाल है यार, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, चेक इट आउट न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, ब्यूटीफुल न्यूयॉर्क, या जबरदस्त, एंजॉय करो न्यूयॉर्क। ये देखें आप फ्रेश फ्रूट्स अभी आए फार्म से भाई, ये अरे यार क्या बोलूं, आज दिमाग जो है मेरा चरिया हो चुका है, सर में दर्द हो चुका है, सर के ऊपर से ट्रेनें गुजर रही हैं और अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, पर मज़ा बड़ा है। आप लोग नए हो तो जल्दी से आओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो कमेंट्स में। तरबूज कितने का लगा हुआ है? हाँ मेरे देखिए, तरबूज कितने का लगा हुआ है? 1199 भाई, वही रहने दो। आज मैंने खरीदा है, आज मैंने खरीदा वॉलमार्ट से $4.89 का, यहाँ पर लगाया हुआ 1199। ओके, वो तरबूज भाई डबल प्राइस लगाया हुआ, तो उसको हमने बोला कि हुआ जहाँ पड़ा हुआ ना वहीं रहने दो भाई इसको। तो जिस जगह पे भी हम लोगों ने व्लॉग बना के आए, इन भाइयों को भी समझ में आया कि वो इलाका इतना सेफ नहीं था, नज़र आ रहा था हमें, उनकी वाइब फील हो रही थी, ठीक है, तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी भाई, पर ये दिन का टाइम था तो हम लोगों ने चांस ले लिया। काफ़ी लोगों ने हमें मना किया वीडियो बनाने के लिए, स्पेशली जो 8-10 लड़के खड़े हुए थे जिसके बीच में से हम घुस रहे हैं, वो सारे गैंगस्टर टाइप के थे और वो इशारे कर रहे थे हमें और स्पेनिश में बोल भी रहे थे कि हमारी वीडियो नहीं बनाना यहाँ पर। तो चांस ले लिए, पर कोशिश करेंगे दोबारा आएँ तो रात में कभी ना आएँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ के बारे में मैंने सुना हुआ रात का माहौल यहाँ का सही नहीं होता है। तो चलो यार इजाज़त दो, ये छोटा सा एक ब्लॉग बना था जैक्सन हाइट के लिए, हम बना दिया आपके लिए, देखो एंजॉय करो और मेहनत काफ़ी लग रही है, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो भाई बेचारा 300 पाउंड वेट था, आप लोगों के लिए चल चल के जो है ना देखो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिट हो गया है। ठीक है, तो ख्याल करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब ये भाई देखो मेरे को कितना सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है हमेशा, तो आप भी करो क्यों नहीं। तो यहाँ पर कोकोनट मिल रहा है, यहाँ गन्ने का रस मिल रहा है भाई, ये देखो ये बनाया ना माहौल ज़बरदस्त किस्म का। कोकोनट शुगर कैन, अभी क्या चाहिए आपको? आपके पास कोकोनट ड्रिंक है? यस, हाँ कोकोनट ड्रिंक चाहिए मुझे। एक, दो, तीन, कितना चाहिए? एक मुझे चाहिए, कितने का एक? मुझे $5 वाला दे दो, एक 5 में 7 में फ़र्क क्या है? दे दो भाई को, 5 में 7 में फ़र्क क्या है? $7 बिग साइज़ बस, फ्लेवर सेम है? हाँ फ्लेवर सेम। ठीक है, मुझे 5 वाला दे दो। 5 वाला एक है? एक 5 वाला। दो गन्ने के जो यार ये है 73rd स्ट्रीट है भाई, यहाँ पर ये फ्रेश जूस बना रहे हैं अंकल जी, $5-$7 का कोकोनट ड्रिंक है, फ्लेवर दोनों का सेम है, साइज़ छोटा बड़ा है बस। सर आपका नाम क्या है? नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई है भाई, यहाँ पर आना, अब्दुल्ला भाई को बोलना कि सलमान भाई ने भेजा है तो 70% ऑफ देंगे। अब्दुल्ला भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, टेस्ट जो है बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोकोनट पी रहा हूँ, सीरियसली मुझे ऐसी टेस्ट आ रहा है। और मजाक से हटकर ये कोकोनट ड्रिंक जो मैं पी रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ जब से मैं आया हूँ मैं, मेरा पहला है ये कोकोनट ड्रिंक, ठीक है, फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ मैं फ्रेश, लास्ट टाइम मैंने पिया था याद भी नहीं कब पिया था। अच्छा टेस्ट, तुम लोगों ने कुछ नहीं लिया? नहीं ले रहे ना वो गन्ने। तुम लोगों ने क्या लिया? हमने गन्ने का जूस लिया, ये तैयार हो रहा है। आ इसमें आइस नहीं डालते? किसमें? नहीं इसमें आइस नहीं डालते? अच्छा, ये बहुत है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा मुझे ठंडा पसंद है। विद आइस शुगर कैन जूस, गन्ना का जूस। इसके क्या प्राइस थे? सेम, ये भी सेम प्राइस है कोकोनट और इसके। अच्छा अच्छा, $5, $7, $10 वाला सबसे बड़ा, राइट? प्योर ऑर्गेनिक। प्योर, अच्छा ये ऑर्गेनिक नहीं है ना? ये छोटा वाला ऑर्गेनिक नहीं है ना? $10 ऑर्गेनिक है।
तो भाई ये वाला जो है ना ऑर्गेनिक नहीं है, 10,000 वाला लेना नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक मिलेगा। अबे तुम मेरी तरफ कैमरा तो दू, बना किसकी रहा है तू? तो भाई मैं बता रहा हूँ आपका, ये वाला जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा अंकल ने बोला है 10,000 वाला लेना वो ऑर्गेनिक होगा। सही है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया यार, रिफ्रेशिंग है। बड़े नखरे भाई के, बहुत नखरे भाई। लेमन भी डालो और क्या डालना है? ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जो पसंद करते हैं ना। अच्छा इसमें अदरक भी डलाई जाती है? नहीं नहीं अदरक डलाते हैं वो, मुझे नहीं पता। यस इनको पता, अदरक डालते हैं ना, मैंने देखा था एक वीडियो में अदरक डालते हैं। या वो देखो ये फ्रेश लेमन दिलवाया भाई ने, इसके बाद भाई जो है सुपर मैन की तरह उड़ेगा। आपको चाहिए? ये देखो भाई के चस्के। आहा भाई लेमन के साथ टेस्ट कैसा है? मज़ा आया? थोड़ा बहुत डिफरेंट। डिफरेंट यानी गन्ने का जूस आम का जूस तो नहीं लग रहा? खराब कर देते हैं यानी टेस्ट? अच्छा कर देता है। अच्छा अच्छा कर देते हैं, मैं समझे लेमन हल्के टेस्ट खराब कर देते हो। यार इसकी ये इसकी मलाई भी देते हैं ये निकाल के? थोड़ा आइस दलवा, थोड़ा पानी दलवा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एक दो टी पैक भी डाल दें इसमें। चलो भाई इसको क्या करना होता है, वापिस साथ लेके जाना होता है घर, क्या फेंकना होता है? इसको कहाँ फेंकना है सर? ये इन लोगों की दे दे ये फेंकना। अच्छा कहाँ फेंकना है ये? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, सो गुड। तो यार इस वीडियो को फाइनली मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट किया, मुझे पता है आप लोगों को पसंद नहीं है मैं गाड़ी में वीडियो एंड करता हूँ, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता सलाम में गाड़ी में वीडियो एंड करते हैं, पर अभी मसला ऐसा है बहुत लंबी वॉक करके आए, पसीना पसीना हो चुके हैं और यहाँ पर बाहर इतना शोर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। खैर दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, अभी हमने जो लास्ट जो एंडिंग की है वाह वाह मज़ा आ गया, जो कोकोनट का मैंने ड्रिंक पिया है क्या बात है, कोकोनट का ड्रिंक मैं पी रहा हूँ मुझे ऐसा फील आ रहा है कि क्या बताऊँ मैं, इतना रिफ्रेशिंग है भाई ने। देखो ये अभी तक लगे हमें ख़त्म हो गया, बस कर दो बस कर दो। गन्ने का रस भाई ने जो है ना एक गन्ने का रस लिया है, उसके अंदर पता नहीं कितनी बर्फ डलवाई है, लेमन डलवाएं, कोई भी मतलब ड्रिंक हो ना अगर वो ठंडी ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। ठीक है और बस और क्या, और क्या दलाया क्या तुमने ड्रिंक में बार बार? ये बस नींबू ही डलवाया और कुछ भी नहीं। नींबू डलवाया है, फिर उसमें एक दफा और आइस डलवाई है। मैं बोला था आइस डलवाई ना, मैंने बोला भाई को थोड़े से नहीं होता तो मजा नहीं आता, मैंने भाई को बोला थोड़े से टी पैक वगैरह डलवा लो पूरा कॉकटेल बना लो। और ये भाई ने भी लिया है गन्ने का ड्रिंक लिया है राइट, फ्रेश ऑर्गेनिक लिया है, पर इनको जो फ्लेवर आ रहा था वो मैंगो का फ्लेवर आ रहा था गन्ने के ड्रिंक में, तो अजीब अजीब फ्लेवर आ रहे थे हम लोगों को। ठीक है बड़ा मज़ा आया। चलो यार अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं और यहीं पर तख्लिया करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए कंटेंट के साथ। उस टाइम तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना और मुझे दुआ में ज़रूर याद करना। ठीक है और आप जो देख रहे हैं जो हंस रहे बार बार मैं फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब दबा दें, हिट द बेल आइकन, भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू ऑल, पीस।